माता की भक्तों, आज नवरात्रियों का आठवां दिन आ चुका है। आज आठवां अवतार जो नौ देवियों में है, जिसकी आज हम आपको कथा सुनाएंगे, जो माँ आपको शादी विवाह से संबंधित सभी समस्याओं का निदान प्रदान करती हैं, जो माँ आपको संतान ना होती हो तो संतान प्राप्ति के लिए कैसे वरदान प्रदान करती हैं, उस प्रकार से हर प्रकार से कि कैसे आप आराधना माँ महागौरी की करेंगे, महागौरी माँ की साधना आप किस प्रकार करेंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे, कैसे इन्हें आप अपने घर में स्थापित करेंगे, आवाहन करेंगे, हम इस प्रकार की सारी जानकारी इस वीडियो में लाए हैं। माँ महागौरी, आप जानते हैं इनका नाम महागौरी क्यों हुआ? ये महान तो इसलिए हैं, इन्होंने हजारों सालों तक बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, और उनके बाद भी समय समय पर इन्होंने बहुत महान तपस्याएं की हैं, और बहुत गौर वर्ण होने के कारण ये बहुत गोरी हैं, सफेद रंग की, दूधिया रंग की इनकी रूप लावण्य है, इसलिए इन्हें महागौरी का नाम दिया गया है। इन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं, बैल की सवारी करती हैं, और इनके पूरे शरीर पर सफेद आभूषण इन्होंने धारण किए हैं। तो इनकी जो कांति ओज तेज है वह इतना ज्यादा प्रबल है कि कोई भी इनकी ओर पूर्ण रूप से निहार नहीं सकता। माँ महागौरी बैल पर बैठी हुई एक हाथ से वरदान देती हैं, एक से अभय मुद्रा देती हैं, और एक हाथ में इनके त्रिशूल है, एक में डमरू। तो इस प्रकार से माँ ने अपना चतुर्भुजी रूप बैल पर बैठकर भक्तों को वरदान देने के लिए धारण किया है। बहुत वर्षों तक माँ की कथा इस प्रकार से भी है, एक कि बहुत वर्षों तक भगवान शिव से रूठकर माँ तपस्या में लीन रही, और हजारों सालों तक तपस्या करते करते इनका शरीर इतना सूख गया था, इतना काला पड़ गया था, इतना रुद्रण और काला पड़ चुका था कि जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ आए इनके पास, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने माँ महागौरी को गंगाजल से स्नान करवाया। तो उसके बाद इनका जो शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका था, क्षीण हो चुका था, वह बिल्कुल दूध के समान, बिल्कुल दूध की सफेद रोशनी की तरह चमक गया, जिसके कारण इनका नाम महागौरी हुआ। एक कथा इस प्रकार से भी है कि जब माँ एक गुफा में बहुत सालों तक बैठे रहे, तपस्या करते रहे, और उस समय एक शेर माँ को देखकर प्रसन्न हुआ कि मुझे भोजन के रूप में बहुत दिनों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं इन्हीं स्त्री को जब ये अपनी तपस्या से उठेंगी तब तक मैं इनका इंतजार करता हूँ, और उसके बाद मैं इन हष्ट पुष्ट और हर प्रकार से संपन्न बिल्कुल कांतिमय शरीर वाली इस स्त्री को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तो हजारों सालों तक वह शेर माँ की इंतजार में बैठा रहा, तो माँ की जब तपस्या पूर्ण हुई और शिव उनसे प्रसन्न हुए, तो माँ ने उस शेर पर कृपा करके, क्योंकि जितने समय माँ भक्तिपूर्ण अपनी तपस्या में लीन थी, उतने समय तक शेर ने भी उनके दर्शन किए, और उन्हीं के उस ओज तेज से वह उनके सामने इतने सालों तक जिंदा रह पाया। उनकी तपस्या के प्रभाव से माँ ने उन्हें भी, शेर को भी यह वरदान दिया कि मैं तुम्हें अपनी सवारी के रूप में ग्रहण करती हूँ। तो माँ बैल की भी सवारी करती हैं और शेर की भी सवारी करती हैं। माँ को भोग के रूप में आप नारियल फल प्रदान कर सकते हैं। भक्तों,
हर नवरात्रे की अलग अलग देवियों की हम आपके लिए कथा कहानी व्रत पूजा नियम सब लाए हैं और यह हमारे चैनल बाबा का आशीर्वाद चैनल जो हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है पर लाते रहते हैं। तो माँ की हर प्रकार की कथा कहानी के लिए, व्रत उपवास के लिए, उनके मंत्र श्लोकों के लिए आप बाबा का आशीर्वाद चैनल पर बने रहें और पुण्य के भागी बनकर अपने दोस्तों मित्रों सभी को इसका शेयर करते रहें। भक्तों, ब्राह्मणों को इस दिन नारियल का दान देने से माँ विशेष तौर पर प्रसन्न होती हैं। जिन व्यक्तियों की संतान नहीं हो पा रही हैं वो भी माँ महागौरी से यदि प्रार्थना करते हैं इस दिन तो माँ उन पर विशेष कृपा करके संतान प्राप्ति के लिए उन्हें वरदान देती हैं। भक्तों, माँ महागौरी हर प्रकार से भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ये माँ आपको तपस्या का महत्व बताने के लिए हर प्रकार से संभव प्रयास करती हैं। जो भक्त इनकी तपस्या करते हुए इनकी भक्ति में लीन रहते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अच्छी प्रकार से नहा धोकर घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य और फल समर्पण करते हैं, यथा योग्य मौसम के अनुसार फूल भी इन पर चढ़ाते हैं और अन्य मेवा मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं का निदान कर देती हैं। माँ, आप जानते हैं ये शिव की प्रिय हैं तो इसीलिए इन्हें दूसरा नाम शिवा भी दिया जाता है। ये कुंद के फूल के समान गौरी हैं इसलिए इन्हें महागौरी और शांभवी भी कहा जाता है। माँ महागौरी सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर सफ़ेद वर्ण की होने के कारण, सफ़ेद आभूषण धारण करने के कारण इनको हर प्रकार से कांतिवान और मोतियों की सी चमक से संपन्न हैं इसलिए महागौरी इन्हें कहा जाता है। भक्तों, बाबा का आशीर्वाद चैनल पर बने रहें। जय माता की। भक्तों, जय माता की।